एन अदर टाइम लाइक एक साल के पहले और थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो एंड मैंने देखा उसमें करीब एट हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड के पीपल दे वॉच एंड पीपल दे सम क्वेरी एंड अदर थिंग्स ऑन माई व्हाट्सअप नंबर तो आई एम जस्ट गोइंग सम मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एक लार्ज फाइब्रेड होता क्या है इंडियन सेटअप में देखा जाए ना तो आठ सेंटीमीटर से यदि बड़ा है सिंगल है या मल्टीपल फाइब्रॉयड है तो ये बड़ा फाइब्रॉइड मोर देन एट सेंटीमीटर एंड फाइब्रॉइड यदि आपका यदि अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हुआ है इन ए पर्टिकुलरली इन ए यंग फीमेल सो उनको अल्ट्रासाउंड इज नॉट टू डिसाइड द लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट इसके लिए चाहिए होगा उसको एम आर आई एम आर आई स्कैन होता है एम आर आई स्कैन में बेटर इवेल्यूशन ऑफ द फाइब्रॉइड नंबर ऑफ द फाइब्रॉइड एंड द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉयड सो एकडिंग टू दैट उसके हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको क्या क्या ट्रीटमेंट का ऑप्शन होना चाहिए तो बड़ा जो फाइब्रॉयड है मल्टीपल फाइब्रॉयड है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है एक है मायोमेक्टमी हमें मायोमेक्टमी इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ फाइब्रॉयड अब इसमें एडवाटेज तो सबको मालूम है कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं पर बड़ा फाइब्रॉयड है और यंग फीमेल है तो हमको रिस्क मालूम होना बहुत जरूरी है सर्जरी के तो सर्जरी का रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इसमें जो मल्टीपल जो फाइब्रॉइड होता है ना समाइम डिफिकल्ट टू रिमूव ऑन ए सर्जरी सर्जरी वो जो मायामेक्टमी जिसको बोलते हैं वो क्यों मुश्किल होता है क्योंकि पीछे और नीचे और जो सर्विक्स में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये मायामैक्टमी से नहीं निकल पाते हैं इसी कारण से इसमें रिकरेंस जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है सर्जरी uh, में जो छोटे छोटे जो फाइब्रॉइड्स होते हैं जिसको बोलते हैं सिडलिंग बोलते हैं ढूंढना बहुत मुश्किल होता है एट द टाइम ऑफ द सर्जरी तो माया मैं रिस्क तो है राइट और यदि कभी ज्यादा ब्लीडिंग हो गया तो यूटरस रिमूवल के भी चांसेस है, होते हैं वो नॉर्मली यंग जितने लोग होते हैं ना वो देट वॉन्ट यूटरस निकले तो हमको कुछ ऐसा ना सेफ सा प्रोसीजर कुछ ढूंढना पड़ेगा और या तो मालूम होना चाहिए ऑप्शन की क्या क्या हो सकता है तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका मायावक्त भी हो गया दूसरा ऑप्शन क्योंकि यंग है अनमेरिड है और जिसके बच्चे नहीं है तो ये ऑलवेज दे लुक फॉर ए ए समथिंग विच इज द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट तो दूसरा जो ऑप्शन होता है ना ये होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होता है अब यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के एडवांटेज तो सबको मालूम है कि हाँ ठीक है एक दिन का एडमिशन होता है इसमें कोई कट नहीं लगेगा पर ये जो बड़े जो फाइब्रॉइड होते हैं ना यू यूट्राइन आर्टरी एम्बुलेशन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये श्रिंक इतना बड़ा फाइब्रॉइड है आठ सेंटीमीटर नौ सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है ये प्रॉपरली श्रिंक होगा कि नहीं होगा नो वन कैन गिव द एश्योरेंस टू द पेशेंट यदि बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है और यदि मान लो चलो वो आठ सेंटीमीटर का है और वो तीन सेंटीमीटर का रह गया तब भी भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है तो यूआई का तो ये प्रॉब्लम रहता है कई बार ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है इसमें यू में तो बेस्ट ऑप्शन फॉर ए लार्ज फाइब्रॉइड में क्या करना चाहिए पहले दिन मेरे हिसाब से क्योंकि तो हम ये रेगुलरली करते भी हैं जो बड़े फाइब्रॉयड हैं मल्टीपल फाइब्रॉयड है उसमें पहले दिन का एडमिशन जो होता है ना उसमें हम लोग करते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बुलइजेशन जितने फाइब्रॉयड है एक फाइब्रॉयड है या तो और भी फाइब्रॉयड है सबका ब्लड सप्लाई इसमें बंद हो जाता है सबका ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा और नेक्स्ट डे में उसकी होना चाहिए सर्जरी माया बोलते हैं जिसको सो so, माया मकटनी नेक्स्ट डे जब होगी तो मायामकटमी में जैसे आपने ब्लड सप्लाई बंद कर दिया और दूसरे दिन आप सर्जरी कर रहे हो उसकी तो इसमें ब्लीडिंग नहीं होगी नहीं होगी तो जो भी सर्जरी करेगा सर्जन उसको बिल्कुल ब्लडलेस एरिया मिलेगा सर्जरी करने के लिए बहुत यूट्रस में ज़्यादा इधर उधर कट कट करने की जरूरत नहीं होगी और जो मायोमेक्टमी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइक लाइक हेवी ब्लीडिंग एंड द रिमूल ऑफ द यूटर दिस टू आर द मेजर कॉम्प्लीकेशन इन माओमेक्टमी विच यू कैन एवॉइड सो एडवाटेज इज देयर यूटराइन आर्टरी एम्बुलइजेशन प्लस मायोमेक्टमी इसमें देखा जाए तो तीन दिन का एडमिशन होता है और इसमें रिकवरी और जल्दी फास्ट होती है क्योंकि आपका ब्लीडिंग इसमें नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द यूटराइन आर्टरी एम्बुलइजेशन और कभी भी आपको यदि बड़ा फाइब्रॉइड है तो आप ये मत सोचो कि मेरा अल्ट्रासाउंड में एनफ़ हो जाएगा भैर भले आप माया के लिए जा रहे हो चाहे यूटराइन आर्ट्री एम्बोलाइजेशन के लिए जा रहे हो पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बड़े जितने फाइब्राइड होते हैं इनका ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है तो कभी माय आपको सारे ऑप्शन मालूम होना चाहिए देन यू डिसाइड बाई यू डिसाइडिंग फैक्टर में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता मैं क्या कर सकता हूँ आपको पूरी नॉलेज दे सकता हूँ तो वो मैंने नॉलेज आपको सब बता दी है यदि आपको फिर भी और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए सो so, आप अपनी रिपोर्ट और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है यू कैन व्हाट्सएप टू मी ऑन माई नंबर नाइन एट वन ज़ीरो फोर नाइन टू डबल सेवन एट और मेरी आपको डिटेल और कुछ पढ़ना है इस बारे में तो मेरी वेबसाइट है वेबसाइट में भी जा सकते हैं आप जिसका नाम है डब्ल्यू डब्लू डब्लू डॉट इंडियन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डॉट कॉम थैंक यू वेरी मच